बच्चों एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक के चैप्टर में वेलकम। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, HCN का योग यानी एडिशन ऑफ HCN। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट में एल्डिहाइड का रिएक्शन कर रहे हैं पहले फिराइन कीटोन में, HCN के एडिशन रिएक्शन में OH- माइनस बेस या कैटलिस्ट फेज में, जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा। CO अक्सर CO ग्रुप का CO बॉन्ड ही टूटेगा, जिसमें O क्या है ऑक्सीजन और C क्या है कार्बन। ऑक्सीजन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है ड्यू टू ये नेगेटिव चार्ज, और कार्बन क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। H प्लस CN क्या है माइनस, तो यहां देखो CH3O में H को लाओगे और C में तो H है, यहां पर क्या जाएगा ये CN चला जाएगा CN। इसलिए एक ही कार्बन में OH और CN दोनों ग्रुप अटैच है, तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं साइनो हाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। और नेमिंग बहुत ही इजी है, साइनोहाइड्रिन नेमिंग बहुत ही इजी है। इसका नेम एसिटाल्डिहाइड है, तो इसके भी नेम के आगे में एसिटाल्डिहाइड लगा दोगे तो कंपाउंड का नेम होगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछता है एसिटाल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड को लाने के लिए देखो क्या होगा कि जब आप सीएन ले आए हैं, क्वेश्चन रहा ऐसा तो यहां से याद रहा तो हो गया मेरा सॉल्व। साइनोहाइड्रिन से भी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड, तो यहां से यहां तक तो कंफर्म होगा। यहां तक लिखने के बाद थोड़ा सा स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश आपको और करनी होगी। CN में 2H2O डालकर एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करो, अवघटन करो, तो क्या होगा देखो CH3, C में OH, यहां पे तो H है ही, डबल H2O के मिलने से कार्बन पे डबल O आएगा, और 2 to 4H में जैसे ही आप यहां पे 1H रखोगे 4 यहां पे H है, ये N H को लेके यहां अमोनिया लेके भाग गया अमोनिया NH3 3 1 4H, और 2O CH के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है लैक्टिक एसिड बच्चों, ये क्या है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। ऊपर ऊपर लिख दिया, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो HCN का रिएक्शन में साइनोहाइड्रिन देता है, यदि इसमें आप वाटर अप्लाई करोगे, वाटर दोगे, तो इस CN के बीच में 2O और NH को लेके अमोनिया फिर भी 1H आ जाएगा, रह जाएगा जो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग होगा। तो ये क्या लैक्टिक एसिड, CN में 2H2 आने से कार्बोक्सिलिक कंपाउंड देता है, आगे भी कार्बोक्सिलिक चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए ऐसा हुआ, कीटोन के लिए भी देखो ऐसे ही होगा, कीटोन के लिए भी ऐसे ही होगा, साइनोहाइड्रिन देगा, और साइनोहाइड्रिन क्या है तो जब एक ही कार्बन पे दो ग्रुप अटैच हो जाए वो साइनोहाइड्रिन होता है, क्या क्या वो है OH और CN। कीटोन के लिए देख लो CH3 CO CH3 को लिया हमने,
इसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में, एसीटोन कहते हैं। एसीटोन में HCN अप्लाई करो बेस के बैलेंस में, तो क्या होगा बच्चों, यहां भी पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये पार्शियल चार्ज है, ये माइनस पार्ट, ये क्या प्लस पार्ट, माइनस पार्ट को यहां पे इन करोगे तो CH3, क्या बच्चों CH3, O में क्या आएगा H+, और ये है CH3 और यहां पे है CN, ठीक है। इस तरह से एक ही कार्बन पे CN भी है और OH भी है, एक ही सी में दोनों अटैच आ जाए तो ग्रुप नेम साइनो हाइड्रीन, और ये एसीटोन है तो नेमिंग में आगे में एसीटोन लगा दो, हो गया। इस तरह से वन नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग आएंगे पॉइंट टू में। पॉइंट टू देखो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन ही है पॉइंट टू। पॉइंट टू है सोडियम बाई सल्फाइट, पॉइंट टू है एडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फाइट, फॉर्मूला है NaHSO3। चलो ठीक है, लिखते हैं हम लोग। अब यहां पे यदि आपका एल्डिहाइड लेके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो NaHSO3 को तो लिखोगे, सोडियम क्या है बाय सल्फाइट है, और इसके बाद क्या करोगे, ध्यान में रहे कि ये रिएक्शन बेस पे एच छोड़ता है क्योंकि ये एसिड बिहेवियर है, एच निकालो तो क्या है माइनस रहेगा, सीओ बॉन्ड को ब्रेक करो तो यहां पे ओ में एच आएगा, ये तो एच है ही, और ये जो ई क्या प्लस पार्ट, ई क्या है माइनस पार्ट, माइनस में तो एच ले आए हो क्योंकि एच प्लस है, और यहां पे SO3Na ले आओ। बच्चों इसका नेम क्या होगा, सोडियम बाइसल्फाइड है तो वैसे ही नेमिंग होगा, लेकिन इसका जो नेम है कॉमन नेम वो लिख कर अब इस वर्ड को ऐड कर दो। नेमिंग बहुत सिंपल है, नेमिंग में R को CH3 लिए हो तो नेम क्या है एस्टाल्डिहाइड, तो एस्टाल्डिहाइड लिख के सोडियम बाइसल्फाइड इसको हम लोग ऐड किए हैं, और नेम तो नेम को भी ऐड कर दो, नेम को भी मिला दो दोनों को, नेमिंग बहुत इजी है। देखो अब कौन को ले लो, हाँ RCOR, ये एल्डिहाइड के लिए पहले बोला मैंने, एल्डिहाइड को शो कर रहा है, और ये कीटोन को शो कर रहा है, और रिएक्ट विथ NaHSO3, इसी का नाम है सोडियम बाई सल्फाइट, रिएक्शन अपनाओ, वैसे सीओ बॉन्ड टूटेगा, R है C है इधर R है, O में तो H आएगा, यहां पे आएगा SO3Na, ये कीटोन है, कीटोन यहां पर रहेगा, अब पीछे तरफ ऐड कर दो सोडियम बाई सल्फाइट, मान लो R को CH3 लिए हो एसीटोन, एसीटोन लिख के सोडियम बाई सल्फाइट लगा दो, ये हो जाएगा, ओके। पॉइंट नंबर टू क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर थ्री में आ जाओ। पॉइंट नंबर थ्री आप अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ चुके हो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो होगी तो ध्यान से देखो क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर थ्री है रिएक्शन विथ ग्रीनार्ड रिएजेंट। पॉइंट थ्री है रिएक्शन विद ग्रिनार्ड रिएजेंट। बच्चों ग्रिनार्ड रिएजेंट आप जानते हो क्या होता है, तो उसके लिए पहले हम लोग बात करते हैं, CO है यहां पे, और इसका रिएक्शन होगा RMgX के साथ, ये है ग्रिनार्ड रिएजेंट, ठीक है। CO में माइनस पोल प्लस पोल है, आर बॉन्ड खींचेगा, आर माइनस, एमजी क्या है प्लस है, ये माइनस पार्ट जैसे ही प्लस पे इन होगा, सी में दोनों आर बॉन्ड खुला हुआ है,
ये आर यहाँ पे आ गया, ओ में एम जी और एम जी में क्या है एक्स, ये कॉम्प्लेक्स समटाइम के लिए बनता है। इसमें जैसे ही वाटर पास करोगे एसिड के प्रेजेंस में, ओ माइनस है, एम जी क्या है प्लस है, सी के दोनों और बॉन्ड यहाँ पे आर है, ओ में एच प्लस आ गया, एम जी में इधर एक्स है ये OH है, सी में OH उसमें आर है तो ये क्या है अल्कोहल आ गया, दोनों और एच आएगा तो यहाँ के दोनों और एच आएगा तो वो क्या 1 डिग्री अल्कोहल होगा। यदि मान लो इधर R है तो 2R का इंटरमिक्स से क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल, और 3R होने से क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको ये 3 पॉइंट बनाना है, देखो बनाओगे इस तरह से, ये दोनों और H रखकर बी नंबर CO के एक और CH3 एक और H रखकर, ठीक है, सी नंबर CO के दोनों और CH3 रखकर, इसका नेम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्म लिख के एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, इसका नेम है बच्चों एसिटल्डिहाइड और ये है एसीटोन। तो ये तीनों को बनाते वक्त यहां पे R को CH3 लोगे और जनरली X को CL लोगे या तो BR लोगे, ऐसे भी I भी आ सकता है यहां पे, ठीक है। तो तीन तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा, आगे भी आप पढ़ चुके हो कोई दिक्कत नहीं होगी, अल्कोहल में आप पढ़े हो। देखो बच्चों अब इसके बाद जो और भी रिएक्शंस है पॉइंट नंबर 4 एक ऐसा रिएक्शन है जिसका एक रिएक्शन के अंडर में लगभग 25 रिएक्शन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा पॉइंट नंबर 4 अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन। अमोनिया के बहुत सारे कंपाउंड होता है, उसको मैं एक लाइन में बताऊंगा और आप इजीली 25 रिएक्शन सॉल्व कर लोगे। तब तक यहां तक लिख लें और ये सब बनाएं, प्रयास करें। ये ABC का जो पॉइंट हम छोड़ दिए, ऐसा ना हो कि आप भी छोड़ दें, आपको बनाना होगा, प्रयास करनी होगी, ठीक है। तो जहां तक लिख लें।